अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल इस्लामिक तालीम में। प्यारे दोस्तों, कभी कभी हमारे घरों की खैर बरकत खत्म हो जाती है और हम लोग सोचते हैं पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जिसकी वजह से हमारे घर में खैर बरकत नहीं है और हम लोग गरीबी का शिकार हो रहे हैं। तो देखिए, सिर्फ मर्दों की ही गलती नहीं होती, कुछ गलतियाँ औरतें भी करती हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको औरतों के घर में नहाते वक्त सात ऐसी गलतियां बताने वाले हैं जिससे घर में गरीबी आती है। जितनी भी हमारी माँ बहन इस वीडियो को देख रही है वो सुधर जाए और ये गलती हरगिज ना करें। अगर पहले गलती कर चुकी है तो अल्लाह ताला से तौबा कर लें और आगे से ख्याल रखें। और जितने भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं, अपने अपने घर की तमाम औरतों से इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि उनकी गलती की वजह से आप लोगों की घर की खैर बरकत खत्म ना हो और आप लोगों के घर में नहुसत ना आए। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पाकी मोमिन का आधा ईमान है। जो लोग नापाक रहते हैं या फिर जो लोग सही से गुसल नहीं करते उन लोगों के घर में नहुसत आती है। देखे नाना हर रोज होता है लेकिन नहाते वक्त आप जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं। तो ये जो सात गलतियां आप लोगों को बताने वाला हूँ ये हरगिज ना करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही बेल आइकन के निशान को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं वो आपको सात काम कौन से हैं। नंबर एक, सुबह उठकर नहीं नहाना। जो हमारी बहनें शादीशुदा है और वो रात को अपने शोहर के साथ हमबिस्तरी करती हैं और सुबह उठकर नहीं नहाती हैं, ऐसे ही काम को हाथ लगा देती हैं, ऐसे घरों में हमेशा नहुसत रहती है और गरीबी आती है। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग सुबह उठकर सबसे पहले नहाएं, उसके बाद फजर की नमाज अदा करें, फिर उसके बाद में घर के काम करें। ये बेहतर तरीका है जिससे आप लोगों के घर में बरकत होगी। नंबर दो, बिना गुसल किए नहाना। अक्सर ये गलती मर्द औरत दोनों ही करते हैं। आप लोग नहाने के लिए जाते हैं और ऐसे ही जिस्म पर पानी बहाकर बाहर निकल आते हैं। अब आप लोग खुद सोचिए, नहा तो आप लोग लिए लेकिन गुसल करने में आपको कितना सा वक्त लगता है। आप लोग ये गलती भी मत करना। जो लोग ऐसी गलती करते हैं उनके घर में नहुसत आती है। आप लोग जब भी नहाने के लिए जाएं तो गुसल जरूर करें। नंबर तीन, औरत का खड़े होकर नहाना। जितने भी हमारी प्यारी बहनें हैं मैं उनको तहे दिल से गुजारिश करूंगा, औरतें हमेशा बैठकर गुसल करें। औरतों का खड़े होकर गुसल करना इस्लाम में मना है। नंबर चार, मर्द और औरत का साथ में नहाना। मर्द और औरत का एक साथ नहाना चाहे आपका शोहर या आपकी बीवी क्यों ना हो लेकिन साथ में न नहाएं। इससे आपके घर में गरीबी आती है और घर की बरकत खत्म हो जाती है। नंबर पाँच, गुसल खाने में पेशाब करना। अक्सर जब लोग नहाने के लिए जाते हैं और हम लोग को पेशाब लगता है तो ज़्यादातर लोग गुसल खाने में ही पेशाब कर देते हैं। हालांकि ये बात अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोग कभी भूलकर भी गुसल खाने में पेशाब मत करना वरना आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा गुनाह है। नंबर छः, गुसल खाने में बात करना। कभी कभी हम लोग नहा रहे होते हैं और हमें कोई बाहर से आवाज़ देता है तो हम लोग अंदर से ही बात करना शुरू कर देते हैं, और या फिर हमारा कोई ज़रूरी कॉल आ रहा हो तो हमें बाथरूम में ही कॉल ले लेते हैं और फिर उनसे बातें करने लग जाते हैं। ऐसा करना सख्त मना है, लिहाजा नहाते वक्त किसी से भी बात न करें वरना घर में गरीबी आएगी और बेबरकती आएगी। नंबर सात, बिना नियत किए गुसल करना। अक्सर लोग गुसल करने के लिए चले जाते हैं लेकिन वो लोग बिस्मिल्लाह करना तक भूल जाते हैं। तो आप लोग आगे से ध्यान रखें, गुसल करने जब भी जाएं तो गुसल खाने में अंदर जाने के की दुआ भी पढ़े और गुसल करने की नियत भी करें। अगर आप लोगों को गुसल करने की नियत पता नहीं है तो आप लोग अपने दिल में ही इरादा रखें। नियत इरादे को कहते हैं। तो आप लोग अपने दिल में ये इरादा रखें कि
हम लोग अपने जिस्म की निजाजत को दूर करने के लिए गुसल कर रहे हैं, बस आप लोगों की नियत हो गई। तो दोस्तों ये थी वो 7 गलतियाँ जिससे घर में गरीबी आती है, बेबरकती पैदा होती है। अगर आप लोगों के घर में ये काम होते हैं तो आप लोग अपने आप भी सुधरिए और अपने घर के लोगों को बताइए कि ऐसा हरगिज ना करे। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है और बेबरकती पैदा होती है। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही अपने करीबी दोस्तों में शेयर भी करें।